और अजदाबाद चुनाव आ गया तो अब हमारे बीच में आकर के कहने लगे धारा 370 हटाएंगे 35 ए हटाएंगे। ये धारा 370 और 35 ए नहीं है, ये वोट की राजनीति है। और ये चुनाव के जो 5-7 दिन और बाकी बच रहे हैं इसमें और भी कोई ना कोई नया जुमला फेंक सके, कोई नई बात करके हमारा वोट ठगने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे सजग और सावधान रहने की जरूरत है। एक और पार्टी है बड़ी, कांग्रेस पार्टी, जो इनसे भी बड़ी कहती है अपने आप को। मैंने भी लगे जगह बोर्ड लगे हुए देखे, आपने भी देखे होंगे। वो कहते हैं अब न्याय होगा। अरे बेटी का बापो, 70 साल हुकूमत तुमने करी तब तुम अन्याय करो थे, जो आज तुम कह रहे हो न्याय करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 170 राज किया कि नहीं इस देश में, और उनकी बेटी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 170 हुकूमत करी कि नहीं देश पर, और उनके बेटे राजीव गांधी जी को 2/3 मेजोरिटी के साथ ताकत दी कि नहीं दी हमने, और उनके खड़ाऊ पे बैठ करके 5 साल नरसिम्हा राव जैसे लोग हुकूमत कर गए कि नहीं कर गए, उनके खड़ाऊ पे बैठ करके 10 साल सरदार मनमोहन सिंह ने हुकूमत करी कि नहीं करी, तब के करो थे भाई तुम, जो अब तुम न्याय करोगे तब अन्याय कराया था। ये न्याय अन्याय की बात नहीं, ये सिर्फ वोट हासिल करने के षड्यंत्र हैं, और ये उनसे भी बड़े षड्यंत्रकारी हैं। कोई ना कोई ईसा जुमला फेंक करके, कोई ऐसी बात करके हमारे वोट ठगने का प्रयास कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो यहां से प्रत्याशी हैं, सम्माननीय है, हमारे बड़े हैं, अब वो कहते हैं कि छोरा मारने खातर भेज रखा है, कदे कब कड़ी बिगाड़। 1980 में मेरे दादा चौधरी देवीलाल ने इस देश की संसद का पहला चुनाव यहां से लड़ा होगा ना, थारी दी हुई ताकत से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गया होगा ना वो। और मेरे तो अच्छे बुरे दिन खेलन के कूदन के खान पीन के इस सोनीपत की धरती पे बीते हैं कि नहीं बीते हैं। भाई ये बातें तो मुझे भी कहनी आती है, कह दूंगा पर कल ये अखबार में छप जाएगी कोई ना कोई, और फिर कोई चुनाव आयोग का नोटिस मिल जाएगा। मैं तो कैदी हूं, अभी 1 साल जेल में और भी काटना है, और वह कैद भी इस आदमी की वजह से काटने लग रहा हूं। FIR में नाम नहीं था मेरा, मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं था, और के कसूर करा था, थारे बालक लाए होंगे, यो तो झूठे नाटक करे, कोई एक HCS लगाया के तो डॉक्टर बांगड़ बैठा HPSC का चेयरमैन था, बालक लागे HCS भर्ती हुए तो थारे नाके के हुए होंगे, थारे बालक भर्ती हुए होंगे, जो पदम दैया बैठा 35 लागे अफसर बने 35 तो, और बाकी विधायक भी थे, शुगर मिल बनी, कोई और नौकरी लागे, कोई कहीं और के लागे थे, थारे लागे थे, थारे लागे थे। तो भाई फिर कौन थारा है और कौन पराया बताओ। वाह, बात कहना तो बड़ा आसान है, आज वो आदमी कहे है बोले मैं थारा तुम मेरे, अरे भाई जब तू थारा मारे की बात करे है, जब तेरे पे करना टाइम था 10 साल, जब इस गुहाने में अरे सोनीपत जिले में कोई काम करा था कि जिसने गिना सके, जिसने छाती पे हाथ मार के यूं कह सके भाई यो मन ने करा था, या कह सके के? तो आज फिर थारे वोट को कर मांग सके, फिर
इन बातों पे बहुत विचार करने की जरूरत है। इस तरह के लच्छेदार भाषण देने वाले लोग और बहुत आएंगे। पिछले दिनों जींद में उपचुनाव हुआ था, जींद भी इसी संसदीय क्षेत्र का पार्ट है, वहां के लोगों ने भी गलती से 3400 कुछ वोट कुएं में गिर दिए थे। वाणाड़े सोनीपत आड़े शाने हो और पढ़े लिखे सब तो ज्यादा हो, उस कुएं में वोट ना गिर दिए भाई साहब, बहुत भूल ना कर दिए। आपके बीच में इस बाकी बचे हुए शेष दिनों में और भी कई बातें चलेगी, पर उन सब से सजग और सावधान रहने की जरूरत है। बात तो मैं करता रहूंगा तो सारी बहुत लंबी हो जाएगी, मैंने अगले प्रोग्राम में भी जाना है, लेट हो रहा हूं। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करने खातिर आया हूं कि बात जद बनेगी, जद आपसी छोटे मोटे मन मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके, बैठ जाओ अभी दो मिनट और कहूंगा, बैठ जाओ। सारे साथी संगठित होकर के, 36 बिरादरी के लोग एक झंडे के नीचे संगठित होकर के अपने हक हकूक के लिए, अपने आन बान शान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 12 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के परमपिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके इस चप्पल की जोड़ी पे मोर लगाने का काम करो। आपकी लगाई हुई वो मोर जो चप्पल की जोड़ी के निशान पे लगेगी वो आपके मान सम्मान और गौरव को बढ़ाएगी, आपके सम्मान को चार चांद लगाने का काम करेगी। 5 साल पहले हिसार के लोगों ने एक सांसद चुन करके भेजा था, दुष्यंत चौटाला भेजा था ना, हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं, 5 राज्यसभा के और 10 लोकसभा के, और टोटल 542 ज्यादा उस हाउस में। 5 साल में थारा मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई होगी, थारे गौरव और सम्मान को ऊपर किया होगा, तुम्हारे हक हकूक की बात करी होगी, दूसरे को इस पंडित जी जो चुन के भेजा था कभी बोलता सुना के तुमने? कौन सा उसने तो ना केवल अपना बल्कि चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई का भी जो बचा हुआ फंड था वो लेकर के भी अपने इलाके में खर्च करवाने का काम किया। तो भाई अब तो हमने उसके साथ और नौजवानों की टीम भेजने का काम किया है, तुम मौका दोगे तो उससे भी आगे खड़े होकर के ये थारी वकालत करेंगे, तुम्हारे सम्मान को और तुम्हारी पगड़ी को ऊंचा करने का काम करेंगे। पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी की स्थापना की थी जींद में चौधरी देवीलाल की पावन धरा पे, आप लोग भी गए थे वहां, हमने सबने मिलकर के एक 12 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया था, वही तो घोषणा पत्र था, वही मांग पत्र था, वही शपथ पत्र था, वही देवीलाल का पत्र था। और जिस दिन थारी दी हुई ताकत होगी उस दिन पहली कलम से उसे लागू करने का काम करें। और ये हमारे सहयोगी खड़े आम आदमी पार्टी वाले लोग, दिल्ली में इनकी हुकूमत है, अरविंद केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की सरकार निरंतर इनके हर काम में बाधाएं उत्पन्न करती है, रोड़ा अटकाती है, इन्हें किसी भी काम को ठीक से सिरे नहीं चढ़ने देती। उसके बावजूद भी इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा शिविर जैसी बुनियादी सुविधाएं
जिसकी जरूरत हर आदमी को है, तुम्हें भी है, मुझे भी है, गरीब को भी है, अमीर को भी है, वो अगर किसी ने इस देश में मुहैया करवाई है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो गोहाना से अजय चौटाला को लाइव सुन रहे थे आप।